हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज लेकर आए हैं, वो भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी रुपया पैसा आपका नहीं लग रहा है। ये बैच ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड बैच है, लेकिन आपको बेटा मैं सभी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इस बैच को मैंने फ्री कर दिया है। तो बेटा टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिल रहा है। हफ्ते में 3 क्लासेज आती हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं, लगातार देखते रहें। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। हमने डाउट का पोल बेटा ऐसे ही बनाया है, जो भी डाउट होगा आप जब कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो आ जाएगा। तो ये हमने डाउट की सीरीज बना रखी है, ये सॉल्यूशन हमने बना रखा है आपके डाउट को क्लियर करने का। बेटा नाम लेकर हम बताएंगे, डाउट आपके तभी बताए जाएंगे जब आप अपना नाम डालेंगे बेटा, क्योंकि आप ही के नाम पे वीडियो बनेगा। ओके, ठीक है, आ जाओ बेटा, बात करते हैं। आज हम मोशन यानी हम गति पढ़ रहे थे। हमने भौतिक विज्ञान स्टार्ट किया था, हम गति पढ़ रहे थे, और आज हमें गति का लेक्चर नंबर 6 देखना है। इससे पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे तो बेटा जी जाकर जरूर देख लें। लेक्चर नंबर 6 की बात हम करने वाले हैं, और आज हम देखने वाले हैं गति के दूसरे नियम को कैसे हम ग्राफ विधि द्वारा और सूत्र विधि द्वारा निरूपित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो बेटा कैसे करेंगे, तरीका क्या है, बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से बेटा सिखा दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका साथ चाहिए, आप बैठे मेरे साथ और चीजों को देखते रहें। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा बेटा, जब आप इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात आपके लिए यह हो जाती है कि यहां पर बच्चों को दिक्कत होने लगती है। कैसे, बच्चों को समझ में नहीं आता, सर ये क्या हो रहा है, सर ग्राफ कैसे बनता है, सर ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा जी समझो, ग्राफ समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आए, लेकिन आपको स्वयं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साथ साथ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे डाउट, आपके जितने भी डाउट हैं बेटा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ वेल एक्यूरेट तरीके से समझ में आ जाएगा। आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस प्यारे से शानदार लेक्चर को, जिसमें हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि ग्राफ विधि द्वारा, बेटा ग्राफ विधि द्वारा आप कैसे समीकरण को सत्यापित करेंगे, कैसे आप सिद्ध करेंगे। क्या मैं लाइव हूं, क्या मैं सबको दिख रहा हूं? हां सर, आप दिख रहे हैं। हां ठीक है, सब कुछ बराबर है। अब मैं लेक्चर अपने स्टार्ट करता हूं, और जरा ध्यान से देखेंगे लेक्चर, सभी बच्चे ध्यान से लेक्चर को देखेंगे और पकड़ेंगे बेटा। हां सर, जरूर पकड़ेंगे। हां बेटा, पकड़ना भी है। आ जाओ बेटा, देखते हैं। देखो, अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे कुछ कंडीशन लेनी पड़ेगी। मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना बेटा। एक एक कोई बॉडी है, ये मैंने बॉडी बना दिया, ये प्यारी सी मैंने बेटा बस बना दी, और ये एक पाथ पर बेटा, ये एक पाथ पर लगातार बेटा चल रही है। मैं कह रहा हूँ ये बेटा मोशन में है। ये किस में है बेटा, मोशन में है, यानी गति में है बेटा। ये हिंदी माध्यम के लेक्चर ही हैं, ये बेटा किस में है, ये गति में है। मैं क्या कहता हूं बेटा, पहले ये एक समान गति में थी, पहले ये एक समान गति में थी। अब बेटा ये अपने चाल को बदल रही है। अगर बेटा इसकी चाल बदलेगी, अगर बेटा इसका क्या होगा, अगर इसका चाल बदल जाए, चाल अगर इसका बदल जाए तो मैं क्या कहूँगा कि बेटा एक्सेलरेशन हो गया है, त्वरण हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी चल रही हो और वो अपने चाल में परिवर्तन करे, वो अपनी स्पीड में परिवर्तन करे, तो बेटा मैं कहता हूँ कि त्वरण होता है, यानी ए हो रहा है। तो इसी चीज को जो मैंने यहां पे समझाया, इसको मैं ग्राफ में समझाता हूं, इसी को मैं ग्राफ में निरूपित करता हूं। कैसे करेंगे सर, आ जाओ बेटा बताता हूं बेटा कैसे करना है। आ जाओ, इसको हटा देते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा पहले ग्राफ को देख लो बेटा। इस तरफ हम इसको टी से इंडिकेट करेंगे, इसको हम वेलोसिटी को वी से इंडिकेट करेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, पहले बॉडी एक समान चाल से चल रही थी, यानी कुछ दूर तक बॉडी एक समान चाल तक चलेगी, कोई ग्राफ नहीं बनेगा। यहां तक मैं कह दिया कि एक समान चाल से चल रही है, अब चाल में परिवर्तन होगा, तो बेटा ग्राफ बदल जाएगा, ग्राफ की लाइन ऐसे बन जाएगी, ग्राफ का स्लोप ऐसे बन जाएगा। तो बेटा हुआ क्या, जरा आप ध्यान से समझें तो आपको यह समझ में आएगा कि इस पॉइंट को हमने यू कह दिया, इस पॉइंट को हमने वी कह दिया।
सर आपने इसको यू क्यों कहा और इसको वी क्यों कहा? क्योंकि बेटा ये प्रारंभिक वेग था, ये अंतिम वेग था। जब चाल में परिवर्तन हो जाए तो हम बात करते हैं पहले कितनी चाल थी, अब कितनी चाल है, यानी प्रारंभिक और बेटा अंतिम दो चालें यहां पर आएंगी, दो वेग यहां पर आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब देखो ग्राफ को फिल कर देते हैं पूरा पूरा। कैसे फिल करेंगे बेटा? यहां से लाइन खींचो ऐसे कर दो, यहां से लाइन खींचो बेटा ऐसे कर दो। एक पॉइंट ये बेटा बन गया, एक पॉइंट बेटा जी ये बन गया। अब नाम लिख देते हैं इस पॉइंट को, ए फॉर एप्पल कर देते हैं, इसको बी फॉर बॉय कर देते हैं, इसको डी फॉर डॉग कर देते हैं, इसको सी फॉर कैट कर देते हैं। बेटा मैंने वैसे ही नाम लिए हैं जैसे आपकी बुक्स में लिखे होते हैं, क्योंकि आप बुक्स भी बगल में लेकर बैठे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यही डायग्राम आपके बुक में मिल जाएगा, एक्यूरेट यही डायग्राम आपके बुक में मिल जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया। जरा ध्यान से देखना हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें बेटा सेकेंड इक्वेशन फाइंड करना है, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या सेकेंड इक्वेशन ये थी क्या? क्या सेकंड इक्वेशन ये थी क्या? हाँ सर सेकंड इक्वेशन यही थी सर। तो बेटा जी अगर ये सेकंड इक्वेशन है तो इसी को हमें प्रूव्ड करना है, यानी इस एस को निकालना है। और एस का मतलब बेटा क्या है? एस का मतलब है विस्थापन से, विस्थापन से। और विस्थापन के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, विस्थापन के लिए हमें बेटा क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। यानी हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? एक तो बेटा इसका निकालेंगे, ये आयत है। एक तो बेटा किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, ये त्रिभुज है। यानी दो चीजों का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का और त्रिभुज का। तो बेटा क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले क्या थे? क्षेत्रफल निकालने के बेटा फार्मूले क्या थे? अगर मैं तुम्हें आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात करूं तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं मैथ वाला। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अगर त्रिभुज का निकालना है तो बेटा प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार। तो बेटा यही तो आपने पढ़ा था, यही तो आपने पढ़ा था। हाँ सर यही पढ़ा था। तो अब जरा देखो कि इसमें कौन आधार है, कौन लंब है, कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर पहले नंबर में देखो तो क्या ये लंबाई है क्या? क्या ये लंबाई है क्या? मतलब इस पोर्शन को हमने क्या कह दिया? इस पोर्शन को हमने लंबाई में नाप लिया, इस पोर्शन को हमने चौड़ाई में नाप लिया, चौड़ाई में नाप लिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ इतनी बात समझ में आई। बेटा जी लंबाई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसको ओ मान लो, इसको ओ मानना पड़ेगा। तो लंबाई क्या है बेटा? देखो अगर हम बात करते हैं लंबाई की तो ओ और यू के बीच की दूरी, ओ और यू, यू बेटा नहीं लेंगे यहां पर, ए लेंगे, क्योंकि नामांकन हमने ए से किया है, यू तो वेलोसिटी है। तो यू अगर हम लंबाई की बात करते हैं बेटा जी तो लंबाई क्या है? लंबाई बेटा जी यहां पर क्या है? ओ ए है। लंबाई क्या है? लंबाई यहां पर ओ ए है। क्या लंबाई है बेटा? ओ ए है। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप बेटा? यहां पर आप लिख देंगे ओ ए, ओ ए इंटू। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जरा देखो, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई बेटा ओ और सी, ओ और सी के मध्य में आ रहा है तो चौड़ाई हो जाएगी ओ सी। चौड़ाई क्या हो जाएगी बेटा? चौड़ाई ओ सी हो जाएगा। तो यहां पर बेटा ओ और सी कर दो, यहां पर ओ और सी कर दो, ब्रैकेट को कर दो बेटा बंद, प्लस कर दो बेटा वन अपॉन टू इंटू लंब गुड़े आधार। लंब क्या है बेटा? लंब बेटा, लंब ये है, ये क्या है बेटा? लंब। और ये क्या है बेटा? ये आधार है, ये लंब है। लंब किसके बीच में आ रहा है? लंब बेटा आ रहा है डी और बी के बीच में, यानी क्या हो जाएगा? लंब बेटा यहां पर हो जाएगा बी डी। क्या हो जाएगा? बी डी। लंब क्या हो गया जरा ध्यान से देखो, बी डी हो गया। क्या हो गया बेटा? बी डी। इसको बी डी कर देते हैं, ये हमने बी और डी कर दिया। इनटू आधार क्या है? आधार बेटा नीचे वाला है, यानी इस ए और इस डी के बीच में आधार है, यानी एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एडी हो जाएगा। तो जो जहां पर चीजें थी हमने उसको वैसे ही लिख दिया। कौन क्या था ये सामने से देखने पर पता चल जाएगा।
इतना हमने लिखा, कोई दिक्कत क्या? सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। बट अगर आपने पहला इक्वेशन देखा होगा तो और बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिसने पहला नहीं देखा उसको हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, लेकिन दिक्कत नहीं होगी बेटा, आपको रिपीट करके देखना है, आपको बार बार सीखना है बेटा, सीखना पड़ेगा ही। एक ही सोल्यूशन है, आपको सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बेटा मोहित, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेटा मोहित मोहित मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ओ ए को अगर देखो तो क्या बता रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये ओ ए है, ये ओ ए बेटा क्या बता रहा है, ये यू को बता रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये यू को बता रहा है, यानी ओ ए की जगह क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो। इनटू बेटा ओ सी क्या है, ओ सी बेटा नीचे वाला पार्ट है, और ये ओ सी जो है वो टी को बता रहा है बेटा। इसको बता रहा है, टी को बता रहा है, क्योंकि नीचे वाली लाइन पूरी टी को बता रही है, तो ये टी को बताएगी। यानी बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस बेटा जी प्लस, प्लस यहां पर भी था, प्लस यहां पर भी है, प्लस हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू बी डी। क्या है बी डी, ये यहां पे रहा बी डी, जरा ध्यान से देखो, क्या बी डी के बीच में ही वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या, क्या बी डी वेग में परिवर्तन है क्या? हाँ ये सर वेग में परिवर्तन ही तो है। हाँ क्योंकि यहां पर U और V दो अलग अलग पोजीशन आ रही हैं, इसीलिए वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो बेटा जी ये वेग में परिवर्तन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, A बराबर यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन की जगह क्या लिख दूं, बी डी लिख दूं, बटे समय यानी टी लिख दिया। यानी बेटा जी यहां पर क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ए टी हो जाएगा। ये मैंने निकाल दिया कि बी डी की जगह आप ए टी लिख सकते हैं, बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए टी लिख सकते हैं। यानी बेटा यहां पर आपने ए टी लिख दिया इनटू, अब ए डी का मान निकालना है। ए डी क्या है बेटा, ए डी ये वाली लाइन है बेटा जी, ए डी ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये बेटा ए डी वाली लाइन है, और ए डी वाली लाइन किसके पैरेलल है, ओसी वाले के, और ओसी की जगह हमने क्या लिखा था, टी लिखा था। यानी बेटा यहां पर भी आप टी लिख सकते हैं, यहां पर भी आप टी लिख सकते हैं, आपने लिख दिया। तो जरा ध्यान से देखो, ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी से टी इंटू हो जाएगा और ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और उतनी देर से आप ऐसे ही तो निकाल रहे हैं, उतनी देर से आप ऐसे ही तो निकाल रहे हैं बेटा, उतनी देर से आप ऐसे ही तो निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बन गया, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बन गया बेटा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे इसी को तो प्रूव्ड करना था, अरे भैया इसी को तो प्रूव्ड करना था। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा, आएगा समझ में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिपीट करके देखिएगा, आपको ये चीज जरूर समझ में आएगी बेटा, बहुत ही सिंपल सी थी। आप जब तक अपने रफ कॉपी से स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं हटता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको फार्मूला मेथड से कैसे इस इक्वेशन को प्रूव्ड करेंगे बेटा, इसकी बात करने वाला हूं, और यह सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आप फार्मूला लगाकर बेटा इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है सर, आ जाओ बेटा देखते हैं। बेटा देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले लिख लो। तो इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन कहती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बेटा हमने लिख दिया, और इसी इक्वेशन को बेटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसी इक्वेशन को क्या करना है बेटा जी, हमें निकालना है। तो बेटा यहां पर ऐसा है यानी विस्थापन है, और विस्थापन किस में आता है, वेग में आता है बेटा जी। जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वेग बराबर क्या होता है बेटा, वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बटे, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा बेटा, समय। विस्थापन बटे समय, यानी v इक्वल टू s अपॉन t, यानी s इक्वल टू v इंटू टी। बेटा ये हमने s इक्वल टू v इंटू टी कर दिया। क्या कर दिया, s इक्वल टू v इंटू टी कर दिया। अब मैंने बताया था कि बॉडी क्या कर रही है, त्वरित हो रही है, अपनी स्पीड का में बदलाव आ रही है बेटा। तो ये स्पीड में बदलाव, चाल में बदलाव, अगर चाल में बदलाव, यहां पर लिखो बेटा अगर चाल में
बदलाव बदलाव एक समान हो, एक समान हो। बेटा यहां पर चाल का मतलब वेग से है, यहां पर चाल की जगह आप वेग भी लिख सकते हैं, यहां पर आप चाल की जगह वेग भी लिख सकते हैं क्योंकि वेग से मतलब है। तो बेटा एक समान वेग में परिवर्तन का उदाहरण बताओ, फार्मूला बताओ। क्या बताया था मैंने बेटा, एक समान जब वेग में परिवर्तन होगा तो इसका फार्मूला होता है एवरेज, एवरेज वेग जब निकालना हो यानी औसत वेग जब निकालना हो तो इसका फार्मूला बताया था यू प्लस वी अपॉन टी, यू प्लस वी अपॉन टी। तो बेटा इसी को, इसी वेग को इस इक्वेशन में बेटा सेट कर दो, ये वाला एस इक्वल टू क्या लिखा था यहां पर, एस इक्वल टू यू इंटू क्या लिखा था बेटा, यू इंटू टी, यू इंटू टी लिखा हुआ है इधर, यू इंटू टी लिखा हुआ है। तो u की जगह अब सॉरी v इंटू टी होता है, v इंटू टी लिखा है, क्या लिखा है बेटा v इंटू टी लिखा हुआ है। तो इसी v की जगह क्या लिख सकते हो, इस v की जगह यानी इस v की जगह तुम एवरेज वेलोसिटी रख सकते हो क्या, एवरेज v का मान रख सकते हो क्या, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा अगर तुम यहां पर एक काम करो कि s इक्वल टू इसकी जगह रख दो इसको यू प्लस वी अपॉन टू और ब्रैकेट कर दो बंद, इंटू कर दो बेटा टी, इंटू बेटा क्या कर दो, इंटू कर दो टी। अब देखो सुनो, अब इसके बाद क्या करोगे, बहुत ही आसान है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा क्योंकि ये फिजिक्स है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये जो वी दिख रहा है ना प्यारा सा, इस v का मान रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से आपने सीखा है क्या होता है बेटा, यहां पर लिख लेते हैं, बगल में लिख लेते हैं, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यानी v की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v की जगह u प्लस ए टी आप लिख सकते हैं, यानी आपने क्या कर दिया, s इज इक्वल टू यू प्लस फिर बेटा यहां पर करेंगे u प्लस ए टी, ये आपने v की जगह लिख दिया, अपॉन कर दीजिए बेटा, अपॉन कर दीजिए दो, इंटू कर दीजिए t का बेटा, इंटू कर दीजिए किसका t का। तो यहां तक की चीजें समझ में आपको आना चाहिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने केवल v का मान लिख दिया है, यहां पर v का मान, इस v की जगह हमने u प्लस ए टी लिख दिया है समीकरण एक से, गति के समीकरण एक से हमने केवल मान लिखा है, कुछ नहीं किया बेटा, कोई बदलाव नहीं किया। अब क्या करोगे जरा ध्यान से देखना, इसको मैं हटाता हूं इधर का, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना बेटा, बाद में मत कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, बाद में ना कहना सर समझ में नहीं आया, ठीक है आ जाओ देखते हैं। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर तुमने क्या किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दिया। अब बेटा ये u और ये u जुड़ जाएंगे आपस में, ये u और ये u आपस में जुड़ जाएंगे और हो जाएगा s इज इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू प्लस सॉरी इंटू बेटा t से इंटू हो जाएगा क्योंकि t तो लगा ही हुआ है उतनी देर से, पीछे पीछे लगा हुआ, छोड़ ही नहीं रहा पीछा। तो बेटा यहां पर क्या होगा, अब आप एक काम करिए, मैं स्टेप बताता हूं आपको बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सीख लीजिए, घर में प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आप एक काम करिए बेटा, ये बटा जो दो लगा हुआ है, ये इसके साथ भी लगा हुआ है, ये इसके साथ भी लगा हुआ है, दोनों को तोड़ लीजिए, टू यू अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू। सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या बेटा, मैथ में सिखाया गया होगा, मजाक मत करो, मैथ में सिखाया गया होगा, मजाक मत करो बेटा, ये मैथ का इक्वेशन है कि हम इक्वेशन नहीं है, मैथ का फार्मूला होता है बेटा कि जब ऐसे अपॉन लगे हो तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, अब देखो हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इस दो से इस दो को उड़ा दिया, इस दो से इस दो को उड़ा दिया, और बेटा ये जो t है ना, इस t का इंटू इस ब्रैकेट के साथ आपको करना पड़ेगा। अभी आपके पास क्या है, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन टू, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू बेटा t उतनी देर से लगा हुआ है, इंटू बेटा जी t उतनी देर से लगा हुआ है, तो यानी आप क्या करें, इस t का इंटू कर दे बेटा, ये प्लस है बनाया हूं, ये प्लस है t नहीं है, ठीक है ना, ये बेटा प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस, इसको टी मत समझ लेना। अब इस टी का इंटू कर दो इसके अंदर, तो बेटा जब इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
80 स्क्वायर अपॉन 2। सर कहां से आ गया बेटा जी, इस टी का इनटू कर दिया तो टी इसके साथ जुड़ा तो यूटी बन गया, इसके साथ जुड़ा तो 80 स्क्वायर हो गया। अरे इतना आसान तो है, बहुत ही आसान है सर। आपको सर लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है बेटा, लगेगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, लगेगा बेटा मोहित, लगेगा। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब देखो ये इतना लिख दिया क्या बेटा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। इसको देखो मैं यहां पे ना लिख के और कहीं लिखता हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बेटा ये यहां पर हमने फार्मूले से भी प्रूव्ड कर दिया, बहुत ही आसान था। दोबारा देखो वीडियो, अगर समझ में नहीं आया जरूर आएगा बेटा। हमने क्या किया, ये यूटी था, ये 80 स्क्वायर बटे दो था, तो इससे 1/2 को बाहर निकाल लो, 80 स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया कोई भी चीज ऐसे लिखिए, देखो मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। अगर लिखा हुआ है ए बी बटे दो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा इसी फार्मूले को, इसी मैथ के फार्मूले को हमने यहां पर पुट किया है, कुछ नहीं किया बेटा। इतना सिंपल था, हमने डेरिवेट कर दिया है। अब आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स में ले जाइए, देखिए आपको पक्का समझ में आएगा बेटा, मेरा प्रॉमिस है। बट आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा और पेन पेंसिल लेकर बैठिए, साथ साथ करते रहिए ताकि आपको समझ में आता रहे। बेटा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको आनंद भी आया होगा। और आपको आनंद भी बेटा जी आया होगा, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे बेटा, ऐसे ही हम सीखेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेटा देखो फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स का ये रूल है कि आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, आपको मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो भी समझाया जा रहा है, जैसे आज जो भी मैंने समझाया, आप अगर एक एक स्टेप करें, एक एक स्टेप से आगे बढ़ते रहें, तो आपको जरूर सारी बातें समझ में आएंगी। बट आपको मेरे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा, देख के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं जो देखने से नहीं होंगे, जो टॉपिक देखने से होते हैं। मैं बता देता हूं बेटा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। जितने भी गति के समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं, 2 बता दिए, 1 लास्ट बचा हुआ है बेटा, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जितने भी गति के समीकरण हैं उनको 20-20 बार, 30-30 बार बच्चे लिखते हैं, तब जाके समझ में चीजें आती हैं। और आपको लगता है कि आप एक बार में नहीं समझ पाए, बेटा करना पड़ेगा यार, आप मेहनत करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ऐसे ही लेक्चर आ रहे हैं बेटा, हफ्ते में 3 लेक्चर आ रहे हैं, तो लगातार आप चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो वीडियो आए आप उनको देखते रहें और आनंद लेते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय, टाटा, टाटा बेटा, बाय 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 बाय। अरे सर जाइए, अब जाइए बेटा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।